हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज वेब सर्वर हाउ वेब सर्वर वर्क एंड व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब सर्वर वेब सर्वर क्या है सर्वर वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम ऑन द सर्वर कंप्यूटर वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो कहाँ पर इंस्टॉल होता है सर्वर कम्प्यूटर पर इंस्टॉल होता है डेस्ट और पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ वेबेस एंड पेजेस टू द्लाइंट और क्या फंक्शन होता है क्या वर्क होता है ये पब्लिश करता है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर ये वेब पेजेस को अवेलेबल करता है उनको डिस्प्ले कराता है उनको पब्लिश करता है ओके एंड इट ऑल्सो डिलीवर्स द वेब पेजेस टू द क्लाइंट और इसका दूसरा काम क्या है क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर के पास आती हैं ओके okay? उन रिक्वेस्ट को ये रिसीव करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ये क्या करता है वेब पेजेस को क्लाइंट कंप्यूटर के पास डिलीवर करता है उनको सेंड करता है ओके okay? और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो किस प्रोग्राम uh, का यूज करते हैं वो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करते हैं टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर प्रोग्राम ऑफ द सर्वर कंप्यूटर ओके जो यूजर का कंप्यूटर होता है इनऑर्डर टू दू द वेब सर्वर प्रोग्राम ऑफ द सर्वर कम्प्यूटर ओके वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट हेन्ड करता है सर्वर कम्प्यूटर okay? के पास जो कौन रिसीव करता है वेब सर्वर वेब सर्वर अकोर्डिंग टू द रिक्वेस्ट क्या डिलीवर करता है वेब पेजेस ओके okay? ओके को एंड okay? डिलीवर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइन ओके बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द यूजर तो बेसिक फंक्शन क्या है वेब सर्वर का वेब पेजेस को स्टोर करना उनकी प्रोसेसिंग करना और उनको डिलीवर करना ओके टू द यूजर

राइट तो पे वेब सर्वर ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है टू डिलीवर वेब पेजेस टू क्लाइंट कंप्यूटर ओके अपार्ट फ्रॉम एस टी वेब ऑल्सो आल्सो एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ई मेलिंग ओके अब वेब सर्वर एस एम टी पी प्रोटोकॉल का भी यूज करता है किसके लिए ई मेल को सेंड करने के लिए ओके ई मेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फाइन ई मेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है वेब सर्वर ओके एंड इट यूज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स और जब वेब uh, सर्वर uh, को फाइल्स uh, को ट्रांसफर करना है करना होता है फाइल्स को स्टोर करना होता है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके हाउ सर्वर बेब सर्वर कैसे काम करता? देखो वेन क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज द वेब सर्वर सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड पेज जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए वेब सर्वर के पास तो वेब सर्वर क्या करता है उस वेब पेज को सर्च करता है फाइन सबसे पहले क्या करेगा क्लाइंट कंप्यूटर वेब ब्राउजर की हेल्प से रिक्वेस्ट को सेंड करेगा फाइन वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी सर्वर कंप्यूटर के पास तो उस सर्वर uh, कंप्यूटर पे उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर प्रोग्राम रिसीव करेगा फाइन ओके देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट इट विल सर्च द वेब पेज और uh, uh, वो उस पर्टिकुलर वेब पेज को सर्च करेगा इफ रिक्वेस्टेड पेज इज फाउंड देन इट विल सेंड इट टू द क्लाइंट अगर उसको जो रिक्वेस्ट आई है वो वाला वेब पेज मिल जाता है वेब डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो क्या करेगा उसको क्लाइंट के पास सेंड कर देगा ओके विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके इफ द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट फाउंड और अगर उसको वो पर्टिकुलर वेब पेज नहीं मिलता है राइट वेब सर्वर विल सेंड एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स एरर 404 नॉट फाउंड तो वो क्या करेगा एक मैसेज सेंड कर देगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ही हेल्प से एक मैसेज सेंड uh, करेगा एंड दैट एरर मैसेज इज एरर 404 जीरो फोर नॉट फाउंड मींस डेट पर्टिकुलर वेब पेज और दैट पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट हैज नॉट सर्वर हैज नॉट फाउंड दैट पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट ठीक है सर्वर को वो पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट नहीं मिला है

ओके कैन रिसीव ऑल द रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोग्राम कैन हैंडलर्वर के कुछ एग्जाम्पल है अपाची वेब सर्वर औरल आई प्लेनेट वेब सर्वर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर आई आई एस तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के सर्वर है उसके एग्जाम्पल है राइट right? सर्वर, ओके? तो क्या क्या सर्विसक्ट लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर वेब सर्वर हैंडल रिसोर्स शेयरिंग रिक्वेस्ट अगर एक नेटवर्क में क्या क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क में प्रिंटर्स और स्कैनर्स को अटैच कर सकते हैं राइट ओके ओके एंड एंड प्रिंटर्स स्कैनर्स एक नेटवर्क में अटैच करने के बाद और जितने भी कंप्यूटर्स हैं जितने भी डिवाइसेस हैं उसको उस प्रिंटर और स्कैनर्स को यूज कर सकते हैं दे कैन शेयर दीज डिवाइसेस ओके एंड जो शेयरिंग की जो रिक्वेस्ट uh, आती है वो कौन हैंडल करता है वो वेब सर्वर हैंडल करता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके लेट अस सपोज देयर इज अ नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं राइट एंड उस पर्टिकुलर uh, uh, उसमें नेटवर्क में क्या है वन प्रिंटर इज अटैच्ड एंड वन स्कैनर इज अटैच्ड फाइन एंड दीस आर द कंप्यूटर्स ये कंप्यूटर्स हैं आई एम जस्ट मेकिंग इट तो कंप्यूटर्स तो ऑल द कंप्यूटर्स कैन शेयर

set the request for sharing the printers or any device, any hardware, right? Okay, and accordingly, it will allow the devices to share the equipment. Samajaya? Then, we have centralized file storage. Server helps the user to save their... फाइल्स और डेटा ऑन फाइल सर्वर एंड एक्सेस डेट डेटा ऑन एनी नेटवर्क कंप्यूटर ओके हम आप क्या कर सकते हो आप सर्वर्स पे कंप्यूटर्स पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपना डेटा अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो फाइल सर्वर्स पे अपने डेटा को अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हो आपकी और किसी भी कंप्यूटर से जो नेटवर्क से अटेस्ड है ओके okay? उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हो फाइन सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग मोस्ट फाइल सर्वर्स रन वायरस स्कैनर्स कांस्टेंटली टू डिटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ वायरस इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी यूजर ऑन एनी कंप्यूटर ओके तो ये सर्वर uh, का एक काम और भी होता है ये क्या करता है आप जो भी फाइल स्टोर कर रहे हो सर्वर पे ये पहले उसको क्या करता है स्कैन करता है राइट विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर और ये वायरस को क्या डिटेक्ट uh, करता है एंड

आप अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पे होस्ट करते हो पब्लिश करते हो राइट तो अब यहाँ पे वेब सर्वर का क्या काम है वो आपकी वेबसाइट को मेंटेन करता है उसका बैकअप करता है राइट और उसको किसी भी एडवर्स सिचुएशन से बचाता है फाइन ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क राइट नाउ टिल दिन द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and subscribe my channel for more useful videos.